नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो सेहत के बारे में। कोरोना के 2 साल बीतने के बाद पहली बार इतनी धूमधाम से नवरात्र का उत्सव मनाया जा रहा है। लोग खुशी से उपवास रख रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और कौन लोग उपवास इसमें रख सकते हैं और क्या खाना चाहिए, इस सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेहत से जुड़ी अगर बातें करूं तो अगर आप उपवास रखते हैं तो आपको आलू को फ्राई कर नहीं खाना है। उसकी जगह आपको जो खाना है वो है उबले हुए आलू। और इसके साथ अगर आपको पूरी खाने का मन है तो आप कुट्टू के आटे की पूरी न बनाकर उसकी रोटी बनाकर खाएं। और खीर खाने का मन है तो टोंड मिल्क वाला दूध का इस्तेमाल करें। उसके साथ ही आप उसमें साबूदाना या फिर चावल मिलाकर उसकी खीर खा सकते हैं। अगर आप उपवास रख रहे हैं इस नवरात्रि में तो आपको इस मौसम में मिलने वाले हर फ्रूट का सेवन जरूर करना चाहिए। खासकर केले का सेवन जरूर करें, ये आपके शरीर में सारे विटामिन की कमी को पूरा करता है। उसके साथ ही आपके शरीर में एनर्जी बनाए रखता है। और आप आटे का अगर आप सेवन करते हैं तो गेहूं के आटे का सेवन करें, चावल के आटे का सेवन करें और कुट्टू के आटे का सेवन करें। इनकी रोटियां बनाकर आप जरूर खाएं, वो भी बदल बदल कर। इसके साथ ही आप दूध, दही, छाछ, पनीर, इनका भी सेवन आप जरूर करें। और पानी आप जरूर पिए ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो पाए, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। तो इन सब का सेवन आप जरूर करें ताकि आप अपनी सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख पाए। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उपवास कैसे रखते हैं और आप क्या खा सकते हैं आपके मन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार। नवरात्र के दिनों में अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो आप खाने में कम से कम हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ जरूर खाएं। इसके साथ ही अगर आप पहले से बीमार हैं या फिर आप बीमार थे तो आप कोशिश करें, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप उपवास न रखें। अगर फिर भी आपका मन है उपवास रखने का तो लिक्विड डाइट आप लेते रहें। इसके साथ ही आप केले के और आलू का चिप्स ना के बराबर खाएं, यानी आपका खाने का मन है तो बहुत कम खाएं या फिर मेरा कहना है कि आप तो बिल्कुल ही ना खाएं, क्योंकि वो जंक फूड होते हैं, उसे आप बिल्कुल ना खाएं। अगर फिर भी खाने का मन है तो आप थोड़ा सा ले सकते हैं। इसके साथ ही आप टोंड मिल्क दूध का प्रयोग करें, जिसकी वजह से आपके फैट भी कम होंगे और आपके शरीर में चर्बी भी नहीं बनेगी और आप फिट भी रहेंगे। और पानी का प्रयोग आप जरूर करते रहें इस नवरात्र के दिनों में। इस नवरात्र के दिनों में उपवास का आप भरपूर ध्यान रखें, उपवास करें, खुद को अच्छा फील करवाएं। और इसके साथ ही आप अपने सेहत का भी जरूर ध्यान रखें। कहने का मतलब यह है कि अपने आहार में आप ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग जरूर करें, तला भुना जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, नमक और चीनी की मात्रा कम से कम रखें, खासकर दिल के मरीज वाले लोग। और अपने आहार में आप रात को खाना खाते हैं, अगर आप कुछ लेते हैं भोजन में तो आप फल जरूर खाएं। इसके साथ ही पतली खिचड़ी या फिर दलिया का प्रयोग आप जरूर करें इस नवरात्र में। बात करेंगे इस नवरात्र में किन किन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए, यानी उपवास नहीं रखना चाहिए। खासकर उन लोगों को जिनका ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें बिल्कुल उपवास नहीं रखना चाहिए। डायबिटीज़ वालों को भी उपवास नहीं रखना चाहिए। खासकर इस समय अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो भी आपको उपवास नहीं रखना चाहिए। और अपना ध्यान रखना चाहिए, समय पर दवाई लेनी चाहिए। किडनी, लंग्स, लीवर और हार्ट, इन मरीजों को भी जो इन समस्या से जूझ रहे हैं, इन समस्याओं से अगर आप ग्रसित हैं तो आपको भी उपवास फास्ट नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही खून की अगर कमी भी है आपके शरीर में तो भी आपको उपवास नहीं रखना चाहिए। हमारी माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें भी उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में पल रहे शिशु को भी काफ़ी समस्या हो सकती है, यानी पेट में पल रहे बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है, उन्हें फूड की कमी हो सकती है। तो इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाएं भी उपवास न रखें।
तो ये था नवरात्र में या फिर कभी भी आप उपवास रखते हैं तो अपना आप ख्याल कैसे रखें, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें और कौन कौन लोग आप उपवास न रखें। फिर इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।